नमस्कार, आप सभी ठीक होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राजनीतिक दल चैप्टर में दलों की प्रमुख चुनौतियों तक बात कर ली थी। आज हम राजनीतिक दलों की जो चुनौतियां हैं उन पर किस तरह सुधार किया जा सकता है इसकी चर्चा करेंगे। अर्थात आज के वीडियो लेक्चर में हम राजनीतिक दलों के सुधार की चर्चा करेंगे। जैसा कि यहां लिखा हुआ है, दलों का सुधार कानूनी प्रावधान। कुछ प्रावधान कानूनी किए गए हैं और कुछ प्रावधान सामान्य जनता के द्वारा राजनीतिक दलों पर विभिन्न परिस्थितियों में दबाव बनाकर भी परिवर्तन करवाए जा सकते हैं। पहले हम कानूनी प्रावधानों की चर्चा करेंगे। कानूनी प्रावधान में पहला प्रावधान संविधान द्वारा दल बदल कानून को सहमति। संविधान द्वारा दल बदल कानून को सहमति, यह प्रावधान यह कहता है, जैसा कि आपने देखा होगा, विभिन्न अवसरों पर हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव में किसी पार्टी के टिकट पर हमारे सामने आते हैं, उसके बाद विभिन्न कारणों से विचारधारा को एक स्थान पर छोड़ते हुए अपने स्वार्थों के लिए वह उस राजनीतिक दल को छोड़कर जनता के साथ विश्वासघात करते हुए जहां उनको अपना ज्यादा लाभ उज्जवल भविष्य दिखाई देता है वहां वो जाने में कतई संकोच नहीं करते। ऐसी स्थिति परिस्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए संविधान ने दल बदल कानून को सहमति प्रदान की, अर्थात हमारी संसद में दल बदल का कानून बनाया गया जिसमें दल बदल को एक ऐसे प्रभावी कानून के रूप में सामने लाया गया जिसमें कोई जनप्रतिनिधि कोई प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीतता है और उसके निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसको संबंधित सदन की सदस्यता से मुक्ति मिल जाती है अथवा इस्तीफा देना पड़ता है। दूसरा मुख्य प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय का आदेश। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली के रूप में अपनाया गया। लोकतंत्र में चुनाव अत्यंत आवश्यक है और चुनाव के माध्यम से जिन जनप्रतिनिधियों का हम चुनाव करते हैं वही संविधान के पालक के रूप में हमारी अपेक्षाओं के निमित्त काम करते हैं, इसलिए उनके विषय में सारी जानकारी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया जिस आदेश का आशय यह था कि चुनाव लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमों की जानकारी, शैक्षणिक जानकारी, साथ ही साथ अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी चुनाव नामांकन के समय सार्वजनिक रूप से जिससे संबंधित क्षेत्र की जनता उन सभी से अवगत हो सके रखेगा, साथ ही साथ इससे अपने प्रत्याशियों के बारे में व्यापक रूप से संबंधित क्षेत्र की जनता व्यापक जानकारी जुटा सकेगी। तीसरा अंतरिम चुनाव। अगर आप पीछे ध्यान देंगे तो आपको ध्यान आएगा बहुत सारे राजनीतिक दल वंशवाद की गंभीर चुनौती से जूझ रहे हैं। ऐसी वंशवाद की गंभीर चुनौतियों से जूझते हुए राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग ने अंतरिम चुनाव कराने की बात कही है। अंतरिम चुनाव क्या है? अंतरिम चुनाव का अर्थ है प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी सबसे निचली इकाई के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का व्यवस्थित चुनाव करेगा जिसमें उस दल का कोई भी सदस्य भाग ले सकता है और भाग लेने के साथ साथ अपनी भूमिका किसी भी पद के रूप में पा सकता है।
इसके उपरांत चुनावी खर्च का व्यय चुनावी खर्च का व्यय सरकार द्वारा अर्थात चुनाव के समय बहुत लंबी प्रक्रिया हमारे देश के अंदर होती है और एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश के अंदर विभिन्न चुनाव विभिन्न समयों पर होते ही रहते हैं। जैसे इस वर्ष के अंत में पंचायत के चुनाव अपने प्रदेश में होने हैं, बहुत सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके अलावा स्थानीय निकायों में कभी शहरों में चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव होते हैं। इन चुनावों में बहुत बड़ी मात्रा में आम जनता के द्वारा दिया गया राजस्व जो देश के विकास में प्रयोग किया जा सकता है वह चुनावी व्यय में चला जाता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में चुनावी खर्च का व्यय सरकार के द्वारा किया जाए। साथ ही साथ हमारे देश के संविधान में ऐसी कोई लिखित व्यवस्था नहीं की गई है कि एक व्यक्ति कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े नेता दो सीटों से चुनाव लड़ते हैं, दोनों सीटों से जीत जाने की स्थिति में अगर वो एक सीट जब उस सीट से वो अपनी सदस्यता का इस्तीफा दे देते हैं वहां फिर उपचुनाव कराना पड़ता है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। और यह निश्चित रूप से जो सुझाव दिया गया है चुनावी खर्च का व्यय सरकार द्वारा अगर यह होता है तो इस बोझ पर बहुत बड़ी मात्रा में अंकुश लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 1/3 महिलाओं की सहभागिता, आप जब किताब में पढ़ेंगे तो आपको वहां मिलेगा 1/3 महिलाओं को टिकट दिया जाए, लेकिन मैंने प्रयोग किया है 1/3 महिलाओं की सहभागिता। इसका कारण यह है सहभागिता का अर्थ है संगठन और सत्ता दोनों स्तर की राजनीति पर महिलाओं को राजनीति में पर्याप्त स्थान और सम्मान मिलना चाहिए। एक बार हम इन बिंदुओं को दोबारा से देख लेते हैं। संविधान द्वारा दल बदल कानून को सहमति अर्थात जिस दल के टिकट पर आपने चुनाव लड़ा है उस दल के निर्देशों का पालन करना आपका नैतिक कर्तव्य है, जनता के साथ विश्वासघात ना हो इस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्रत्याशियों को अपनी शैक्षणिक चल अचल संपत्ति साथ ही साथ अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमों का विवरण एक शपथ पत्र के रूप में नामांकन करते समय सार्वजनिक रूप से देना होता है। अंतरिम चुनाव वंशवाद की चुनौती जो राजनीतिक दल के सामने है उस पर नियंत्रण करने के लिए प्रभावी कदम है। चुनावी खर्च का व्यय सरकार के द्वारा, मैंने आपको बताया किस प्रकार से चुनावी खर्च हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ के रूप में पड़ता है। समय समय पर विभिन्न विभिन्न चुनाव होते ही रहते हैं, चुनाव अत्यंत आवश्यक है, इसलिए जरूरी है चुनाव न्यूनतम खर्चे में सरकार द्वारा किए गए बजटीय प्रावधानों के अंतर्गत होने चाहिए, जिससे हमारे देश की बहुत बड़ी आर्थिक संपत्ति का उपयोग विकास में ही किया जा सके। 1/3 महिलाओं की सहभागिता, संगठन और सत्ता दोनों स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता 33% होनी चाहिए, जिससे उनके स्थान और सम्मान की सुरक्षा की जा सके, साथ ही साथ उनकी आवाज भी सदन और संगठन दोनों में पर्याप्त रूप में सुनाई दे, उनके हित में किए जाने वाले कार्यों की मात्रा बढ़े, जिससे हमारे देश में जो लैंगिक असंतुलन की बातें आती हैं उनमें कहीं बहुत हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से राजनीतिक दल चैप्टर आपका समाप्त हुआ, पूरा हुआ। इस चैप्टर को अगर आप शुरुआत से एक बार देखेंगे तो राजनीतिक दल की परिभाषा, राजनीतिक दलों की आवश्यकता, राजनीतिक दलों के कार्य, राजनीतिक दलों की चुनौतियां और राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय, साथ ही साथ विभिन्न दलीय प्रणालियां, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, इसका अध्ययन आपने पिछले वीडियो लेक्चर और इस वीडियो लेक्चर में किया। दोनों वीडियो लेक्चर्स में आपकी जो भी समस्या हो आप उसका समाधान मुझसे करवा सकते हैं। और आज का ये जो विषय था इसमें ये 5 बिंदु मुख्य थे, इनको आप लिख लीजिए, नोट्स की दृष्टि से
आवश्यक है।